गाइस वेलकम टू माय चैनल। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू हो, मैं आपको बता दूं कि आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत। अगर मैंने कुछ रॉन्ग हिंदी बोली तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। ओके, जो बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं आपसे कुछ क्लिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ इंक्लूड करूँगी क्लिप्स को, इस वीडियो के बाद इंक्लूड करूँगी। तो वो वीडियो का क्लिप्स देखने के बाद मैं उसके थोड़ी डिटेल्स भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। আমরা এসে চাকলায় পিকনিক থেকে জানি না তো ওইখানে দুটো কার পার্কিং হয়েছে, দুটো কার অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। এই কারটায় আমরা এসি, পিছনের কারটায় মা মামা মিমি আর এই যে মিস সুন্দরী এসছেন। ওখানে সবাই ভিতরে পুজো দিচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। ফার্স্ট টাইম আমার লাইফে আমি চাকলে এসেছি, এর আগে কোনোদিনও আসিনি। হয়তো সে থাকবো অজ্ঞান অবস্থায়, কিন্তু জ্ঞানত অবস্থায় ফার্স্ট টাইম আসলাম। আমরা এখন যাচ্ছি মন্দিরের ভিতরে। ওয়াও, সো প্রিটি মন্দির, অন্ধকার কিন্তু খুব সুন্দর। ভজন শুনতেই পাচ্ছ, आपने वीडियो देखा कि मैं कहाँ गई थी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूँ, मैं गई थी कोचुआ एंड चकला। सो ये मेरे अब के शूटेड वीडियोस तो बिल्कुल नहीं है, जाऊँगी नहीं। जैकेट तो मैं अभी समर सीजन में पहनूंगी नहीं। तो हम गए थे विंटर सीजन में। मैं 2019 के दिसंबर में गई थी कोलकाता, मेरे मासी की शादी थी उसमें अटेंड करने गई थी। तो उस टाइम शादी रिसेप्शन सब कुछ कवर करने के बाद हम गए थे पिकनिक। मेरी जितनी भी सारी फैमिली मेम्बर्स है और जितने भी मेरे मामा के फ्रेंड्स हैं, हम सब मिलके गए थे पिकनिक। सो पिकनिक से लौटते टाइम हम गए थे कोचुआ एंड चकला, बिकॉज उसी रूट में पड़ता था कोचुआ और चकला। कोचुआ और चकला ये है बाबा लोकनाथ जी का मंदिर। हम सभी जानते हैं बाबा लोकनाथ जी को, बंगाली में वो बहुत ही प्रसिद्ध एक साधु भी है, बोल सकते हो भगवान भी है। सो उनका जन्म हुआ था कोचुआ चकला में, वो जन्मे थे कोचुआ में, बड़े हुए थे चकला में। सीरियसली मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बट मैंने अपने नानी के मुंह से जो भी सुना है, मम्मी के मुंह से जो भी सुना है, मैं आपको वही बोल रही हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा सर्च नहीं किया है।
सो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं तभी गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, बट मुझे कुछ याद नहीं था। तो बड़े होने के बाद मैं गई थी प्रीवियस ईयर उनके मंदिर को दर्शन करने, एंड आई वाज जस्ट वेरी सरप्राइज्ड, और मुझे इतना अच्छा लगा मंदिर को विजिट करके। बट ये थोड़े जो क्लिप्स थे वो थोड़े अंधेरे में थे बिकॉज प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। कोचो और चाकला थोड़े विलेज साइड में है, सो ये एकदम आउटस्कर्ट भी नहीं बोल सकते, इनस्कर्ट भी नहीं बोल सकते, एक टाउन के बीचों थोड़े पीछे वाले एरिया में है, विलेज काइंड ऑफ एरिया में। तो प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी उसमें, एंड मंदिर भी ज़्यादा शाम को खाली खाली था, तो बहुत अच्छा हुआ। सो हम गए थे सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके, तो मैंने सोचा नहीं था मैं कभी यूट्यूब चैनल खोलूँगी एंड यूट्यूब चैनल में दूँगी भी ये क्लिप्स। तो मैंने बंगाली में इसको शूट किया था, तो इतनी भी डिफ़िकल्ट और टफ बंगाली मैंने नहीं बोला है, आप समझ जाओगे। एंड मेरे जितने भी बहन थे, मेरे भाई थे, एंड मेरे मामा मामी सारे नानी सभी थे, मेरे पेरेंट्स थे, मम्मी भी थी, पापा भी थे। सो हम गए थे ट्रैवल करने, तो हम गए थे अंदर, और बहुत बड़ा बहुत सुंदर वाइट कलर का मंदिर था, एंड अगर मैं मॉर्निंग में जाती तो बहुत सुंदर लगता, बट हम नाइट में गए थे, क्या कर सकते हैं। हम पिकनिक से रिटर्न करते वक्त कोचो और चाकला गए थे, एंड देन फर्स्ट हम गए थे कोचुआ, देन मैं गई थी चाकला। एंड चाकला में जाने से मैं थोड़ी लेट हो गई, हम थोड़े लेट हो गए बिकॉज तब तक 7 o'clock हो चुके थे, एंड 7:15 में और 7:30 में, 7 to 7:30 में मंदिर बंद हो जाता है पूजा करके, बिकॉज वो बहुत ही आउटस्कर्टेड जगह थी एंड बहुत अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बस बोला पूजा हो गया, आप बस भोग लीजिए, एंड भोग लेने के बाद क्योंकि मुझे शूट करने भी नहीं दे रहे थे, मैं वीडियो जब बना रही थी तो मुझे मना कर रहे थे कि वीडियो मत उठाओ, बट मैंने बोला देखिए मैं बहुत दूर रहती हूँ तो मुझे बस भगवान का एक क्लिप ही चाहिए, देन इट्स ओके। मैंने तो उनको रिक्वेस्ट करने से उन्होंने माना और मुझे उठाने दिया, तो तब हम रिटर्न घर चले आए। सो ये बेसिकली था, तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड या थैंक यू ब्राइट फैम मेरे वीडियो में इतने तक बने रहने के लिए। टेक केयर, स्टे सेफ, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, एंड जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके सारे के सारे पालन कीजिए, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, मैं कोरियन में एक वर्ड आपको बोलना चाहती हूँ, एक बहुत ही स्वीट वर्ड है, दैट इज सैलांगे। एंड नाउ यू विल आस्क कि सैलंगे का मतलब क्या होता है। सैलंगे की मतलब आई लव यू सो सो मच, थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स, मुझे देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज सपोर्ट मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू।